होशिमा आइलैंड द मिस्टीरियस आइलैंड ऑफ जापान, जापान के नागासाकी शहर से 15 किलोमीटर दूर समुंदर में ये आइलैंड अवस्थित है। जापान के लोग इस आइलैंड को गन कंजीमा बोलते हैं, जिसका इंग्लिश में मतलब है बैटलशिप आइलैंड, और बाकी दुनिया का लोग इस आइलैंड को जापान का सफिक्स आइलैंड बोलते हैं, जिसका मतलब है दूसरे दुनिया का आइलैंड। इस आइलैंड का साइज करीब 6.3 हेक्टर या फिर 16 एकड़ है। 1887 में मित्सुबिशी नाम का एक कंपनी ने इस आइलैंड को कोयला निकालने के लिए खरीदा था, क्योंकि इस आइलैंड में और इस आइलैंड के आसपास बहुत मात्रा में कोयले का संधान उस कंपनी को मिला था, और उस कोयले को निकालने के लिए बहुत से मजदूरों को इस आइलैंड पे रखा गया था, और उन मजदूरों के लिए उसी आइलैंड में बहुत से बिल्डिंग, स्कूल्स, हॉस्पिटल बनाया गया था। 1887 से 1944 तक वो लोग, मतलब वो मजदूर, बहुत ही अच्छे जिंदगी जिए, क्योंकि उस आइलैंड पे उन लोगों को किसी तरह का कोई भी कमी महसूस नहीं हुआ। पर जब 1944 के बाद से पेट्रोलियम जैसे चीजों का उत्पादन बढ़ने लगा, तब कोयले का मांग और दाम बहुत ही गिर गया, और इस वजह से उस आइलैंड से लोग धीरे धीरे कहीं और शिफ्ट होने लगे या फिर चले जाने लगे। और ऐसा करते करते 1974 के एक दिन सभी लोग, मतलब जितने भी लोग मौजूद थे, वो सभी लोग कहीं और चले गए उस आइलैंड से, क्योंकि माना जाता है कि 1974 में एक हादसा हुआ था उस आइलैंड पे, जिस हादसे में 1500 से भी ज्यादा मजदूर मारे गए थे। और एक बात सुन के शायद आप हैरान हो जाए, जितने भी लोग उस आइलैंड से निकले थे कहीं और जाने के लिए, वो सारे लोग कहां गायब हो गए, ये अभी तक किसी को भी पता नहीं चल सका। और वो लोग जाने के बाद उस आइलैंड पे उनके जितने भी चीज मौजूद थे, वो सभी उस आइलैंड पे ही अभी तक पड़ा हुआ है, जैसे कि साइकिल्स, पुराने कपड़े और हॉस्पिटल के ऐसे बहुत से चीजें जो कि कभी यूज ही नहीं हो पाए हैं। और अगर आप भी कभी उस आइलैंड पे जा सके तो आप भी उन चीजों को देख सकते हैं, और शायद आप उस आइलैंड में जाके डर सकते हैं, क्योंकि उस आइलैंड का परिवेश बहुत ही भूतिया है, और उस आइलैंड पे बहुत ही कम लोग जाते हैं, और जापान उस आइलैंड को एक भूतिया आइलैंड ही मानता है। तो वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस वीडियो को लेकर।